मेरा हो चुका है, मेरा चेहरा ही चेहरा है मेरा पूरा। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, 8 बजे ही उठी हूँ, बहुत ही जल्दी उठ गई हूँ। मैं नींद नहीं लग रहा था, मतलब सो गई थी रात में जल्दी, इसलिए नींद तो खुल गया। सुबह जल्दी से उठ गई हूँ, तो अभी अपना वाटर विद एप्पल साइडर विनेगर पी रही हूँ, और इसके बाद थोड़ी देर बाद इसकी पिन भी करूँगी। बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी मैं ऊपर वाली छत पर अकेले बैठी हूँ और पी रही हूँ ये, फिर वो स्किपिंग करने के बाद ब्लैक कॉफ़ी भी होगी। चलो मिलते हैं। तो मैंने अभी बनाया पोहे, पोहा जो कि मेरा फेवरेट है, और ये चाय भी बनाया मैंने। गाइस रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं पार्लर, और मम्मी चाची मुस्कान गए हैं उस घर पे, पूजा है वो भैया का, शादी के बाद तो एक पूजा होता है, तो वो पूजा मम्मी कर रही हैं, हम लोग नहीं गए हैं, नॉर्मल सब पूजा हो रहा है। तो मम्मी चाची हो गई हैं, शाम में आ जाएंगी, और हम लोग के लिए वहाँ पे मतलब खाना वगैरह बन रहा है तो वो सब भेज देंगी। बाकी अभी जा रहे हैं पार्लर क्योंकि हेयर कटिंग कराना है आज, तो पक्का करा कर, इसीलिए मैं नहीं गई क्योंकि मुझे एकदम एक होता है ना साइट ही नहीं बन रहा है इसका कटवाने का, तो मैं आज मैं सोची कि मैं नहीं जाऊँगी, अपना हेयर कटिंग कराऊँ। तो अभी चलते हैं फटा से, सुबह का टाइम हो रहा है तो चलते हैं। अभी खोल दूँगी बाल, आगे का भी करा लूँगी थोड़ा सा। चलो चलते कराते हैं। सो गाइस यहाँ पे दीदी का आईब्रो बन रहा है और उसके बाद फिर मेरा आईब्रो बनेगा, काफ़ी टाइम हो चुका था तो चलो फाइनली बनने जा रहा है आईब्रो। और आईब्रो वगैरह बनाने के बाद पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। एंड चलो इनका बन रहा है तो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया, अभी मैंने बोला कि मेरा भी बनेगा तो मेरा भी थोड़ा रिकॉर्ड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं अपना हेयर कटिंग भी कराऊँगी तो वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत दर्द होता है यार, मतलब ये दीदी के पास ना उतना नहीं होता है, बाकी मैं और भी कहीं कराती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है। तो अभी मैं कराने जा रही हूँ हेयर कटिंग, पीछे का सिर्फ थोड़ा थोड़ा निकलवाऊँगी और आगे का लेयर कराऊँगी, तो अभी आप भी देखो कैसे निकलवाऊंगी। दीदी बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तो कर दीजिए, अच्छा लगता है, भी अच्छा लगता है। नहीं बहुत है, इतना रफ है वो तो है, मैं उसके वजह से हो गया। बस स्प्लिटेंस कहाँ तक है, यही है देखिए, इतना है कट, सीधा करिए, अरे छोड़िए उसको, थोड़ा थोड़ा करिए, अरे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कटवाते जाना सीधा। एक बार यूज करवाओगे तो नहीं होता। हाँ वही तो सीधा ही कराना है कि नहीं? नहीं भी कर दीजिए ना बाल, मतलब बाल ज़्यादा नहीं जाए मेरा, जो सेप है वही कर दें। अरे सीधा ऐसे कटवाओ ना, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा सीधा कटवाओ ना, अच्छा दिखेगा पीछे से, सीधा पीछे से अच्छा दिखना चाहिए बस। बस आगे कटाएंगे बाल, थोड़ा आना चाहिए ना, अच्छा दिखता है। चालू है कुछ ऐसा चीज़ बताइए जिससे बाल बढ़े, कुछ ऐसा चीज़? हाँ बाल बढ़े, जो बाल झड़ रहे हैं वो बन रहे हैं। ओरिजिनल हिला मत क्या, कौन सा सेब दे रही हैं? अरे ठीक है, आगे से कटाना है लिए? हाँ थोड़ा सा काट दीजिए, बाल आगे आएगा ना, अच्छा लगता है। हम अपना बाल आगे से कटवा दिए तो मैं पर चल ठीक है, थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा, इनकी जैसा रखे रखे बोर हो गए थे।
सो गाइस ये देखो मेरे फ्रेंड का बाल निकला हुआ, इतना सारा पूरा ब्राउन ब्राउन हो चुका है, वगैरह हो चुका है मेरा, थोड़ा डिफरेंट हो गया होगा, आपको देखकर पता चल रहा होगा। मुझे अलग अलग हेयर स्टाइल कटिंग रखना पसंद है। बहुत भूख लग रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। ये ओल्डी अभी आए हैं स्लीपर देखने के लिए, दीदी को मैं डेली यूज़ वाला नहीं, ये पानी भर जाएगा इसे चप चप करने में। स्लिप नहीं होगा ना? नहीं स्लिप। कितने का ये? और दिखाइए, कलर अच्छा दिख रहा है इसका, ले लीजिए। भाभी आपको कैसा फील हो रहा है पूजा करके? दादी दादा तो ऑलरेडी शादी से पहले हुआ था मेरे घर। नहीं तो दादा शादी पहले भी होता है फिर बाद में होता है। अच्छा, दादी है। हाथ में पानी लेके 5 बार से अच्छा पप्पा लेके बढ़िया दादी से आशीर्वाद लो। मुस्कुराते क्या करना है? हाँ थोड़ा तो मेरा नहीं हुआ। ऐसा ही बनाया जाता है ना, और ना जैसे दादा जी को भी वैसे करके। चलिए खाना निकालिए। सही था लेकिन देख नहीं रही एकदम कैसा लग रहा है। आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद कपड़ा चेंज करने 2 मिनट के लिए खरीदारी करें।
पहले रहना तो खाना खा के तो कहीं से आप देखिए यहाँ पे पूरी बनी हुई है, इसमें दाल हो गया तो सब्जी वहाँ पे पूरी है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी खाना निकल रहा है उन लोगों बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा उसको बस चला के वो कर दीजिए नहीं बड़े में हम नहीं खाएंगे पराठा नहीं खाते हम नहीं खाते ये पराठा होता ये वाला नहीं खाना है नहीं खाते एक खा लो किस चीज का है ये दाल भरा नहीं खाते हैं डाल दीजिए दाल नहीं अच्छा ठीक है नॉर्मल दे देते हैं इसको निकाल दीजिए नहीं खाते ये नहीं खाएंगे अच्छा खाना जो मन होगा वो खाना तो छोड़ नहीं ना सकते मम्मी मम्मी ये देखो मैंने हेयर कटिंग करा लिया है और लुक काफी चेंज हो गया है और मेरे कुछ फ्रंट का कटिंग कराया है आईब्रो भी बना लिया बहुत टाइम बाद फाइनली मैंने सोचा था आज तो बनवाऊंगी किसी भी हालत में उस घर जाना था नहीं गई सिर्फ इसके लिए तो बन गया है देखो मुझे काफी अच्छा लग रहा है आगे का काफ़ी ज़्यादा बाल कटा है पीछे का तो बहुत कम निकला है थोड़ा ही निकाला मैंने बाल पीछे का आगे का काफ़ी ज़्यादा निकाला सो गाइस अभी बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं तो उस घर पे नहीं गई थी मुस्कान चाची गई थी तो वहाँ पे पूजा हुआ था ये पूजा किस किस के घर पे होता है मतलब नया नया शादी होता है तो उसके कुछ महीने बाद ये पूजा होता है मुझे नाम तो नहीं पता बट ये पूजा किस किस के घर पे होता है बताना जरूर कमेंट में और बाकी यही था क्लिप मैंने बना दिया आप बाकी वीडियो देख लेना कैसा लगा आपको वीडियो और मेरा हेयर कटिंग कैसा लगा मैं फाइनली बहुत दिन बाद मैंने अपना हेयर कटिंग चेंज कराया हेयर स्टाइल चेंज किया मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है एंड आईब्रो भी बनवा लिया मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़ बाय बाय